अगर 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने ना दे तो समझो जिंदा हो तुम। अगर 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने ना दे तो समझो जिंदा हो तुम। और इस उम्र में तुम चैन की नींद सो रहे हो तो पता नहीं क्यों जिंदा हो तुम। अभी से घबरा रहे हो, अभी तो अपने सपनों का एक कतरा हासिल किया है, पूरा सपना तो हासिल करने दो। और नफरत करने वालों मेरी नजरों से दूर रहो, मोहब्बत करने वालों को आगे आने दो। हाँ हूँ मैं मिडिल क्लास बॉय, ना पैसा है ना बैकग्राउंड, फिर भी आसमान छूना चाहता हूँ, अपने दम पे बनना चाहता हूँ और बनके दिखाऊंगा। हाँ जानता हूँ कि बहुत सी परेशानी आएगी, पर घबराऊंगा नहीं, रफ्तार में बढ़ता जाऊंगा और सिर्फ वक्त ही नहीं पूरा माहौल बदल दूंगा। महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी, महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी, जब हम आए तो गांड फटी, कहने लगे बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो गले लगा के कहे कि तू कर जो तुझे करना है, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो सिर्फ तेरी हूं। सच कह रहा हूं, हर लड़का कामयाब होगा, पर ऐसी कोई लड़की है ही नहीं। पहले ये खुद तुम्हें बर्बाद करेगी, उसके बाद कहेगी कि तुम तो कुछ बने ही नहीं, पापा नहीं मानेंगे। तो प्यार का अपने पापा से पूछ के किया था हा? इसलिए हम लड़के पहले करियर बनाओ, प्यार अपने आप चल के आएगा। उम्र छोटी है मेरी, पर घर के हालात जानता हूँ, स्प्लेंडर से चलता हूँ क्योंकि औकात जानता हूँ। और इतनी जल्दी जज मत कर मेरी जान, अपनी तकदीर बदल दूंगा इतना तो खुद को मानता हूँ। माँ बाप कभी गलत नहीं होते, जब वो कहते थे ना कि दोस्तों के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, पढ़ाई करियर यही काम आता है, तब हमें बड़ा गुस्सा आता था कि ये क्या जाने दोस्ती। लेकिन अब समझ में आता है कि सही कहते थे वो, क्योंकि जब औकात ना हो ना तो दोस्त भी औकात दिखा देता है, इसलिए औकात बनाओ, दोस्ती अपने आप बनेगी।